से सभी लोग अवगत हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है शायद के जो हमारे बीच में जो अभी तक जुड़े हैं। रितेश शुक्ला जी हैं जो स्वत प्रमुख हैं, टी आर मिश्रा जी हैं पूर्व पार्षद हैं वरिष्ठ समाज सेवी हैं, मनोज विश्वकर्मा जी हैं जो विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष हैं, बलवंत रघुवंशी जी हैं रघुवंशी समाज के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रेम गुरु जी हैं जो ब्राह्मण एकता अस्मिता सेवक संस्कार मंच के उपाध्यक्ष हैं और साध्वी प्रज्ञा जी के सांसद प्रतिनिधि हैं, अजय श्रीवास्तव नीलू भैया हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री हैंगे कायस्थ समाज के, और रमेश शर्मा जी हैं जो हम सबके मार्गदर्शक हैंगे राष्ट्रीय एकता परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हैंगे, एच एस रघुवंशी जी भी जुड़े हैंगे और पाल साहब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पाल समाज के जी भैयालाल जी पाल, ठीक है ना जी रघुवंशी जी अध्यक्ष जी जी। अच्छा जी, चलिए साहब अब हम सब लोग अपने मुद्दे पर आ जाएं। आप सबको मालूम है कि पिछले एक हफ्ते पूर्व जो एक घटना घटी है कि उसको लेके हम लोगों ने एक बैठकें शुरू की और सर्व समाज की बैठकें यहाँ पर प्रारंभ की हैं, और आज सर्व समाज की बैठकों में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है हमें अपने समाज के लोगों को किस तरीके से जोड़ना है और जो क्रूरतियां उन क्रूरतियों से हम कैसे दूर हो सकते हैं, उसी के साथ में पर्यावरण को भी लेके चलें तो नक्षत्र वन के साथ लेके, क्योंकि हम एक एक वार्ड में एक एक मोहल्ले में एक एक कॉलोनियों में इस तरीके से पहुंच सकते हैं कि जिससे कि इस जो समस्या हम लोगों के सामने है इससे निजात पा सकते हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं टी आर मिश्रा जी से चाहूंगा टी आर मिश्रा जी अपना उद्बोधन दें, क्योंकि मैं आज सबसे ज्यादा मैं रमेश शर्मा जी को सुनना चाहूंगा और विष्णु राजौरिया जी को भी सुनना है हमारे लिए, तो मैं और अपने निवेश सेठ जी भी हम जुड़ रहे हैं उनको भी सुनना है, तो फिर चाहता हूँ कि छोटे थोड़े थोड़े उसमें कम समय में अपनी अधिक से अधिक लोगों के वक्तव्य हमारे सामने आ जाएं। टी आर मिश्रा जी सभी बंधुओं को प्रणाम। मैं इतने कहना चाहता हूँ, एक तो शुक्ला जी से मेरा अनुरोध है कि जो हमारा ऐप है सब जगह मीट का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, ये चीनी ऐप है तो इसको थोड़ा सा कहीं इस पर सोचें, संभव है तो अपन दूसरे ऐप से जुड़ जाएं, एक अनुरोध। दूसरा ये कि भाई साहब जैसे मैंने कल बताया था कि यह प्रयास बहुत अच्छा है, अपन लोग पहले से भी इसमें जितने भी दिख रहे हैं ये सारे साथी हमको लगता है कि ये काम पहले भी कर रहे थे, लेकिन जिन बंधुओं ने इस प्रयास को शुरू किया कि हम एक साथ बैठे बात करें और इस जो हमारी समस्याएं इनको हम उजागर करें, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। हरिओम। अजय श्रीवास्तव नीलू भैया, अजय भाई आदरणीय रमेश जी को सादर प्रणाम और सभी को मेरा विशेष रूप से प्रणाम। भाई सब को बहुत दिनों बाद सुनने का अवसर मिलेगा तो सही बात है कि सबसे ज्यादा रमेश जी को ही सुनना चाहेंगे, बहुत अनुभव है, हमारे मार्गदर्शक हैं। बहरहाल जैसा कि राकेश जी ने ये शुरुआत करी है शुक्ला जी के साथ और सभी मित्रों के साथ, वास्तव में प्रेमी जी ये वक्त का तकाजा है, आज हमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है और ये लगभग एक हफ्ता हो गया। इसके बाद मैंने पिछली बार आपसे अनुरोध किया था कि अपन इसको कार रूप में परिणित भी करते चलें और कुछ एक आगे का एजेंडा बना के और उसको फाइनल रूप भी देते चलें, तो मैं समझता हूँ कि अपन कुछ आगे जल्दी से जल्दी निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे और अभी तुरंत ही अपन को बहुत जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे लोगों ने बहुत अच्छा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रखा है और अपन उसके मामले में बहुत पीछे बिल्कुल है ही नहीं कहीं भी, तो अपन इसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करें। मेरा एक बार सभी को आज दोस्ती का दिवस है तो सबको सादर प्रणाम, और कल रक्षाबंधन है तो सब पूरे परिवार के बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। राकेश जी हमारे बीच में बलवंत रघुवंशी जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि बलवंत रघुवंशी जी के अपने विचार दें। बलवंत भाई सभी को जय श्री राम, जय सीताराम।
आज निश्चित रूप से एक मित्रता दिवस की बात कही है, सबको शुभकामनाएं। राजोरिया जी भी जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, प्रणाम। रघुवंशी जी नमस्कार। जो बात आपने शुरू की थी, निश्चित श्रीवास्तव जी ने जो कहा है कि अपन इसको परिणति पे लाए, चर्चा चर्चा चलती रहेंगी, चर्चा से। नमस्कार नमस्कार, मैं गुड्डू सक्सेना ज्वाइन हो गया। नमस्कार जी, गुड्डू भैया। तो राकेश भैया, आदरणीय शर्मा जी से और आदरणीय पंडित जी से जो है आशीर्वाद प्राप्त करा जाए। मेरे ख्याल से 18 मिनट हो गए हैं। तो मेरा निवेदन है, शुक्ला जी, अपन कुछ निर्णय पर पहुंचे हैं, सभी हमारे वरिष्ठ भी जुड़ रहे हैं, उनसे अपना मार्गदर्शन। बिल्कुल, नीति बनाना है, वो नीति बनाकर उपयुक्त रूप से एक जो अभियान चलाना है ऐसे विधर्मी लोगों के खिलाफ, वो अभियान अब शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 तारीख से भी भव्य शुरुआत होने जा रही है देश में। तो हमें भी कुछ नई शुरुआत, कुछ बड़ी शुरुआत, कुछ बड़ा निर्णय, कड़क निर्णय अब लेना होगा। अब ऐसी चर्चाओं के बाद चर्चाओं को और आगे बढ़ाएं, जैसे आज रमेश शर्मा जी जुड़े हैं, उनका आशीर्वाद मिले, और राजोरिया जी हैं, नितिन शुक्ला जी, सभी लोगों का जो मार्गदर्शन मिले, मैं समझता हूँ उसको अब आगे बढ़ाएं। इससे ज्यादा सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले आपका मार्गदर्शन मिले, फिर मनोज भाई भी हैं, और एचएस रघुवंशी भी जी हैं, और प्रेम भाई भी हैं, कृष्ण राजोरिया जी भी जुड़ चुके हैं, विनय तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, और आपका म्यूट हो गया। नहीं, म्यूट नहीं हुआ शायद। और सब जी, मुझे मेरी आवाज पहुंच रही? जी जी, आ रही है भाई साहब, आ रही है। चलिए, सभी लोगों को नमस्कार, और भगवान जी से ये प्रार्थना है कि हम सबका जो संकल्प हो वो पूरा हो। राकेश जी, शुक्ला जी और सारी टीम का आभार कि उन्होंने इसको शुरू किया। मोटे तौर पर हमको 3 प्रकार के अभियान को एक साथ चलाने की जरूरत है। एक पहला अभियान तो ये हो कि सर्व समाजों में हम किस प्रकार एकता करें। जैसा कि षड्यंत्र चला है 1000 वर्ष के अंधेरे में, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी उनकी, आपस में लड़ाने की बात की। जैसे मैंने एक दिन और कहा था, किसी भी फिल्म में अगर देखेंगे तो शराबखोर और अत्याचारी और बलात्कारी ठाकुर को दिखाते हैं, और चोर बेईमान तरह का आदमी ब्राह्मण को दिखाते हैं। अभी एक सीरियल चल रहा है जो बहुत मनोरंजक कॉमेडी का सीरियल है, उसमें 2 लंपट टाइप आदमी, एक मिश्रा है और एक तिवारी है, जो भाभी जी वाला सीरियल, और एक पागल आदमी जो उसको दिखाया है वो एक सक्सेना है। तो कुल मिलाकर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको इस तरीके से चल रहा है। तो कुल मिलाकर के हमको सबसे पहले तो सर्व समाज में एकता बने। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो गुण और कर्म के आधार पर थी, कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं भी जा सकता था। मछुआरन का बेटा अगर ब्यास बनता है, जावाली ऋषि के तो पिता का पता नहीं है, श्रृंगी ऋषि एक दासी के, श्रृंगी ऋषि दासी के पुत्र हैं, तो और ऐसे तमाम देखेंगे। तो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था रही है, रावण ऋषि का पुत्र है, हिरण्यकश्यप ऋषि का पुत्र है, तो गुण और दोष के आधार पर जो मान था ये हमको सर्व समाज में स्थापित करना है, एक अभियान। दूसरा अभियान, हमारी समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो फिल्मों में है, जो अखबारों में लिखते हैं, लेख लिखते हैं, चैनलों की डिबेट में जाते हैं, इनको भी इस बात का संदेश देना है कि उनकी बात से भी सामाजिक एकता आए, उस सामाजिक समरसता आए, ये उनकी बात से झलके। और योजना पूर्वक अगर कोई कह रहा है तो भ्रमित होकर के किसी भी समाज पर छींटा उखाड़ने वाली हमको कोई चीज नहीं लिखना। दूसरा अभियान। तीसरा अभियान, हमारे घर के अपने बच्चे किससे मिल रहे हैं, कौन उनका दोस्त है, किसके पास जा रहे हैं, इस बात का हमको बहुत ध्यान रख करके जरूरत है। कोशिश हमको करनी चाहिए, अगर हमारे घर की बेटियां हैं तो लड़कियां उनकी ज्यादा दोस्त बने। मैं कई कॉलेजों में जाता हूँ, बहुत अलग दिखती हैं हमारे समाज की लड़कियां जो लड़कों के साथ ज्यादातर दिखती हैं। दूसरे, उनके समाज की लड़कियां दुपट्टा बिल्कुल डालेंगी, वो लड़कियों के ग्रुप में ही रहेंगी। ये जो एक कहीं ना कहीं एक अंतर आ रहा है फैशन का, दिखावट का और सजावट का, इसको हमको ध्यान रखना है। उन्होंने योजना पूर्वक हमारी सारी जरूरत को, आपको कल्पना है कि महिलाओं से संबंधित सामान कौन व्यक्ति बेचता है,
चूड़ी किसकी दुकान है, वो किस तरीके से वो हाथ को मरोड़ करके चूड़ी, इसके यहाँ से पीछे से आवाज आ रही, कृपया सब लोग म्यूट कर लें, सभी लोग म्यूट कर लें प्लीज, जिससे कि हम शर्मा जी को प्रॉपर सुन सकें, सभी लोग म्यूट कर लें। जी जी शर्मा जी, जीवन की जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वो उन्होंने अपने हाथ में रख रखा है। एसी अगर आपने खरीद लेंगे तो मैकेनिक उन्हीं का आएगा, कार खरीद लिया तो मैकेनिक उन्हीं का आएगा। हमारी माँ बहनों को चोटी टिकी की जितनी दुकानें न्यू मार्केट जैसे में है, न्यू मार्केट में हमारी बस्तियां हैं, लेकिन उसके बाद भी विधर्मियों की दुकानें हैं जो लड़कियों को टिकी भी पहनाते हैं, लड़कियों को चूड़ी भी पहनाते हैं। लेडीज गारमेंट की जितनी, ब्लाउज सीने वाले की जितनी दुकानें हैं, ज्यादातर ब्लाउज सीने वाले मास्टर वही मिलेंगे आपको। ये जो इस तरह की षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज में घुसपैठ है, इसको हम कैसे रोकें? हम कोशिश ये करें कि कम से कम हमारे घर की बहन बेटी चूड़ी पहनने अगर जा रही है तो कम से कम हमारे स्वजन के पास ही जाए, किसी विधर्मी के पास चूड़ी पहनने के लिए नहीं जाए। कभी दुकान पे खड़े होकर के देखिए, मैंने न्यू मार्केट में देखा है, एक हाथ में लेकर के इस तरीके से वो पूरे हाथ को दबाएगा और चूड़ी करेगा। दूसरा, ये तो अब स्पा सेंटर आ गए हैं, स्पा सेंटर में जितने मसाज करने वाले लड़के हैं, आप देख लीजिए लड़कियों की मसाज करने वाला, महिलाओं की मसाज करने वाला बंदा कौन मिलता है? ये जो फिटनेस वाले सेंटर हैं, फिटनेस वाले सेंटर में उन्हीं के पहलवान और बॉडी बिल्डर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को भी, हमारी बहन बेटी किससे मिल रही है, किस सेंटर में जा रही है, क्या सामान खरीद रही है, इन सब चीजों को भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब हम इस संक्रमण का मुकाबला कर पाएंगे। एक जमाना था जब पहले आमने सामने लड़ाई होती थी, उसके हाथ में भी तलवार और हमारे हाथ में भी तलवार, बेईमानी अगर होती थी युद्ध में होती थी। आज वो पर्दे के पीछे से हमारे घरों में हमला करते चले जा रहे हैं, तो पर्दे के पीछे से जो हमारे घरों में हमला करते चले जा रहे हैं उसके ये सारे के सारे नतीजे हैं। हमारी नाबालिग बेटियां अगर आधी रात को निकल रही हैं तो मानकर चलिए क्या स्थिति बनेगी। हॉस्टल में रह करके जो हमारी बेटियां पढ़ रही हैं उन पर बराबर वॉचिंग हो, और उन पर ये हो कि उनकी दोस्त कौन है, किसके साथ घूम रही है, इन सब बातों पर हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सामाजिक बैठकों में भी इस बात, जैसे नीलू जी है, गुड्डू सक्सेना है, बलवंत जी हैं, ये सारे लोग, इनके समाज के जब बैठके हों तब इसमें भी इस बात को रखा जाए कि उनके घर की महिलाएं कहाँ जा रही हैं, इस बात पर सामाजिक बैठकों में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। धन्यवाद, क्योंकि समय कम है, हम राजोरिया जी को भी सुनते हैं। और हमारी बिल्कुल बहुत अच्छे आपके मिले, शायद रघुवंशी जी, एचएस रघुवंशी जी, आप कहां से आवाज पीछे से आ रही है, प्लीज आप म्यूट कर दें। नहीं आ रही है। जी। नहीं यहाँ से नहीं, कहीं पर फर्नीचर का काम चल रहा है वहाँ से आवाज आ रही है। नहीं यानी गाइक और कहीं आएगी यहाँ से, जिसका चल रहा है फर्नीचर काम कहीं चल रहा है भाई, किसी की फर्नीचर का काम चल रहा है, अपना म्यूट कर लें प्लीज। अब हमारे बीच में हमने अभी शर्मा जी को सुना, हमारे बीच में धर्माधिकारी राजोरिया जी हैं, उनको सुनूंगा, चाहूंगा कि अब हमें उनके विचार मिलें कि किस तरीके से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। विष्णु राजोरिया जी, तो अभी जो विषय आदरणीय रमेश शर्मा जी ने उठाया है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की है और उसके उपाय भी, बचाव के उपाय भी बताए हैं। तो समाज को एक सूत्र में बांधने से ही सारी व्याधियों से मुक्ति मिल सकती है। समाज जो बिखर गए हैं उनके कारण ही ये सब बिखरे हुए समाज को शक्तिशाली नहीं समझता है कोई भी। जब समाज एकत्र हो जाता है, सारे समाज एक सूत्र में बंध जाएंगे तो इतनी शक्ति आ जाएगी कि कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। इसलिए सब समाज को, सर्व समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, रघुवंशी जी हैं, नीलू भाई हैं, गुड्डू भाई हैं, और भी हमारे प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस विषय पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और हमारे हिंदू तीज त्योहार जो आते हैं उन पर हमारा संवाद निरंतर जारी रहे। जब तक कोरोना है तब तक तो हम मोबाइल पर भी जारी रखेंगे, जब जैसे ही कोरोना समाप्त हो जाएगा इसके बाद हम रूबरू आपस में बैठकर, प्रेम गुरु भी जुड़ गए हैं, आपस में बैठकर और भी बड़े लोगों को जोड़कर इसमें इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे।
तो मेरा सभी से सुनने का आग्रह, असल में मुझे आज सबको सुनना चाह रहा था मैं, और जैसा कि एक विषय और रह गया है कि श्रावणी पर्व कल मनाया जाएगा, तो उसकी घोषणा हम कर चुके हैं और कल प्रातः 8 बजे जो भी महानुभाव श्रावणी पर्व में शामिल होना चाहते हैं वो उसकी तैयारी की पूरी लिस्ट राकेश जी ने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी होगी और आप सब तैयार रहेंगे तो मैं भी 8 बजे बिल्कुल रेडी मिलूंगा आपको। और प्रातः 8 बजे से श्रावणी पर्व मनाएगा, उसमें 2 सत्र होंगे, उस सत्रों की जानकारी भी आपको यूट्यूब के माध्यम से राकेश जी ने पहुंचा दी है, तो जिस प्रकार से उनने वो सूचना आपको दी है उस प्रकार से आप तैयारी रखेंगे तो कल श्रावणी का पर्व भी हम आपके साथ मनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। राकेश जी और किसी को अवसर प्रदान करें। हमारे बीच में निमेश सेठ जी जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि अब इसके बाद में हमें निवेश भाई का मार्गदर्शन मिले क्योंकि तो निवेश भाई भी इसके लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं और इससे पूर्व भी निवेश भाई हमसे 2 बार बैठकों में आ चुके हैं। निवेश भाई आप सभी को प्रणाम। जी सर प्रणाम। वैसे आज एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद में मिश्रा जी का चेहरा देख रहा हूं मैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी वर्षों के बाद में आपका चेहरा देखने का सौभाग्य मिला है मुझे। मैं शशि भाई जी शेठ का बेटा हूँ, निमेश शेठ, आप शायद पहचान गए होंगे। काम किया हूँ। हाँ नमस्कार भाई सर, नमस्कार। एक बहुत अच्छी पहल रितेश जी और शर्मा जी आप लोग कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआत के अंदर में कोई भी जब हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले चर्चा होती है और चर्चा में से ही कुछ न कुछ रस निकल के आता है फिर बाद में। रमेश जी भाई साहब का उद्बोधन अभी मैंने सुना, इसके पहले भी उन्होंने बोला था वो भी मैं सुन चुका हूं। विषय बिल्कुल सही, अपन आप लोग जिस प्रकार से विषय को रोज रोज ले रहे हैं तो विषय एक सही दिशा में जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम सभी लोगों को एक बात ध्यान रखना पड़ेगी कि केवल बातचीत करने से कुछ होगा नहीं। अभी ठीक है प्रारंभिक स्तर के ऊपर में ऐसा ही रहता है कि हम लोग बातचीत करते रहेंगे तो उसमें से कोई ना कोई किसी न किसी काम को हाथ में लेगा और फिर धीरे धीरे हम काम को बढ़ाते चलेंगे। अभी जैसे जिस प्रकार से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ हर व्यक्ति जो भी बोल रहा है वो यह भी कहे कि मैं इसी अमुक अमुक काम के लिए आपको समय दे सकता हूं, जो भी कार्य वो कर सकता हूं, जो भी कार्य। जैसे इसमें कई प्रकार के कार्य रहते हैं, जब इस प्रकार की जो बच्चियां फंसती हैं और उनको कहीं ना कहीं से निकालने का और इस प्रकार का जो कार्य होता है तो इसमें कई बार अपने को कलेक्टर से मिलना पड़ता है, कई बार मंत्रियों से भी अपने को समय लेके उनसे भी बात करना पड़ती है, तो कई बार पुलिस अधिकारियों से हमको बात करना पड़ती है, कई बार जिन कॉलोनियों के अंदर में क्यों घटना है तो उस कॉलोनी के चूंकि उनके जो माँ बाप वगैरह रहते हैं उनसे बातचीत वगैरह करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके आयाम हैं। कई स्थानों पर यह देखने में आता है कि बच्चियां इतनी गरीब होती हैं इसलिए उनके माँ बाप भी संघर्ष कर नहीं पाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए आज जो राकेश जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि हम पूरे के पूरे 85 वार्ड के अंदर में एक प्रकार से काम करने वाली टीम को खड़ा करेंगे, वो चाहे 2 लोगों की हो वो चाहे 4 लोगों की हो उसकी चिंता नहीं है, शुरुआत के 2-4 लोग भी अपने को मिल गए एक वार्ड के अंदर में तो बहुत है। उनके द्वारा क्योंकि मंदिर से लगभग हर व्यक्ति जुड़ा होता है, आप मंदिर के अंदर में पेड़ लगाने का जो काम कर रहे हैं नक्षत्र लगाने का, वहां पर नक्षत्र के बहाने हम एक आध्यात्मिक कार्य तो कर ही रहे हैं, एक हम अपने हिंदू धर्म का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बहाने हम उस मंदिर के अंदर में एक अच्छी टीम खड़ी कर दें जिस मंदिर के माध्यम से हम उस पूरे वार्ड के अंदर में नजर रख सके और हमारे कार्यकर्ता, हाँ बेटा एक मिनट, हमारे जो कार्यकर्ता वहां पर खड़े होंगे तो उस वार्ड के अंदर की किसी भी घटना को हम तक तुरंत पहुंचाने में वो सफल होंगे। ये एक छोटी सी जिसको कहते हैं कि हम एक प्रारंभिक स्टेज है, जब हमारे पास में सूचनाएं आने लगती हैं तो फिर हम उनको किस प्रकार से उन बच्चियों को बचाना ये हमको ध्यान में आता है। इसके अंदर में
जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हम लोगों ने करीब करीब 23 समाजों की मीटिंग करी थी। उन समाजों के अंदर में जाकर समाजों की 10-10 11-11 लोगों की टीमें हमने खड़ी करी थी, जिसके अंदर में महिला विंग भी रहती है, फिर युवा विंग रहती है, फिर वहां पर एक ना एक वकील होता है। तो इस प्रकार से हम 11 लोगों की टीम उनकी समाज की खड़ी करते हैं। इसका फायदा हमको ये मिलता है कि जब उसे समाज की बच्ची के साथ में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना दिखती है तो वह समाज के लोग सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि समाज के प्रति हर व्यक्ति का एक अपना वो रहता है, जुड़ाव रहता है। तो उसको लगता है कि भाई मेरे समाज की बच्ची है तो मुझे उसको बचाना ही चाहिए। इसके कारण क्या होता है कि हम कई बच्चियों को बचा पाए। तो यदि हमने इस प्रकार से समाजों को जोड़ने का काम कर दिया, वो हम कर रहे हैं, वो हम लोग समाजों की मीटिंगें भी कर रहे हैं, समाजों के अंदर में जाके विषय भी रख रहे हैं, ये सारा काम निरंतर 3-1 वर्षों से चल रहा है। और इसके कारण ये भी है कि मैंने जैसे बताया कि कई समाजों की हम बच्चियां अब बचाने में सफल होने लगे हैं। हम उनको बता देते हैं कि आपकी बच्ची भागी है, इस थाने के अंदर में वो है, आप वहां पर जाइए, उसको समझाइए, उनके माँ बाप को ये महसूस कराइए कि उनके साथ पूरी समाज खड़ी है। तो समाज के अध्यक्ष और सचिव और उपाध्यक्ष और युवा विंग के लोग चले जाते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे हम बच्चियों को बचा के ला पाते हैं। यह तो हुआ एक काम। दूसरी जो बात, अभी ये जो सांस्कृतिक आक्रमण जो हो रहा है हमारे ऊपर में, मेरे को लगता है कि समय कम है, शायद मेरे को जल्दी समाप्त करना है, ऐसा है क्या? नहीं, आप अपनी बात रखें, आप सेकंड सत्र भी शुरू कर रहे हैं, हो जाएंगे सब लोग, ठीक है, तो जुड़ते जा रहे हैं। दूसरी जो सांस्कृतिक आक्रमण की जो अपनी बात है, तो मेरा एक, हम सब लोग उस युवा अवस्था से निकले हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें ध्यान में होगी कि युवा अवस्था के अंदर में किस प्रकार की गतिविधियां युवा करता है। हमने क्या किया, हमने अपने समाज के, मतलब अपने परिवार के लड़के और लड़कियों को, बच्चों को समाज की गतिविधियों में ले जाना कम कर दिया। जिन समाज की गतिविधियों में हम लोग जाते थे तो वहां पर हमारे उसी समाज के मित्र बन जाते थे, उन्हीं समाज के लड़के और लड़कियों के आपस के अंतर में मित्रता होती थी और उनमें से कई मित्रता जो है फिर बाद में वैवाहिक सूत्र में बंध जाती थी। तो इसके कारण कि उसी समाज के अंदर में उनके रिश्ते नाते हो जाते थे। हम कितनी वैसे, अपन सब उनमें से ही कहीं ना कहीं, हम लोगों ने भी देखा होगा, हम भी उसी कड़ी के मन के हैं। लेकिन अब क्या हो गया, उन्होंने कहा सर तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है इसलिए हम उसको लेके नहीं आए, न तो हम उसको अपने समाज के किसी धार्मिक आयोजन में ले जाते हैं, न किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर में ले जाते हैं। इन सब चीजों के कारण वह जो बच्चा है जिसको समाज से जुड़ना चाहिए, उस समाज से नहीं जुड़ने के कारण उसके मन के अंदर में उस युवा अवस्था की जो जो उसके मन के अंदर में रहती है चीजें, वो उसको जब वो कॉलेज में या स्कूल के अंदर में जब कहीं से उसको ऑफर होती है तो वो सहज उनसे जुड़ जाता है। इसके कारण नकारात्मकता ज्यादा आ रही है। तो मेरा इसके अंदर में यह मत है कि हम अवेयरनेस करके अपनी अपनी समाज के अंदर में बैठकों के अंदर में या बड़े कार्यक्रमों के अंदर में माँ बापों को भी आग्रह करिए कि आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपने माता पिता, अपने बच्चों को जरूर लेकर आइए। तो आप देखिए कि उन बच्चों की, लड़कों की सहेलियां उसको उसके समाज में से मिलेंगी, लड़कियों के दोस्त उसको उसके समाज में से मिलेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका अटेंशन अपनी समाज के बच्चों के प्रति होने लगेगा, तो उसको भी अपन कहीं ना कहीं एक हद तक कम करने में सफल होंगे, जो ये भागने वाला और ये सब जो चीजें हो रही हैं। दूसरी तीसरी बात इसके अंदर में ये है कि आज आप देखिए कि पहले तो परिवार बड़े थे, बड़े परिवार के कारण क्या था कि जो बड़ा वाला भाई या बहन होती थी वो अपने बात के चारों भाइयों बहनों के ऊपर में क्रमशः नजर रखते थे। माँ बापों के पास में इतना समय नहीं रहता था क्योंकि बाप पिताजी जो है वो नौकरी या व्यवसाय में चले जाते थे। लेकिन जो 4-5 लोगों का जो परिवार होता था, बच्चों का जो परिवार होता था, तो हर बड़ा बच्चा अपने से छोटे बच्चे की केयर करता था। आज वो चीजें समाप्त हो गई हैं। अब किसी के यहाँ एक बच्चा है या किसी के यहाँ दो बच्चे हैं, तो इसका तोड़ हमारे पास में क्या है? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दो भाई हैं तो वो दोनों भाई, ठीक है उनके किचन अलग अलग हो, लेकिन वह क्या ऊपर नीचे रह सकते हैं क्या, कि एक भाई ऊपर रह लिया, एक भाई नीचे रह लिया, तो आपस में कम से कम केयर करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, चिंता करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये भी हमको समाज के अंदर में इस विषय को, कि
सामूहिकता के अंदर में हमारी रक्षा हो पाएगी। हम बिखरेंगे तो हम टूट जाएंगे। तो ये विषय भी हमको कहीं ना कहीं समाज के अंदर में लेना पड़ेगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे विषय हैं, अपन धीरे धीरे इन सारे विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे। पर आज की इस बैठक का निचोड़ ये जरूर होना चाहिए कि हर व्यक्ति, राकेश जी या जो भी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको ये जरूर कहें फोन करके कि भाई साहब मैं फलानी फलानी चीज के लिए और निश्चित रूप से आपको समय दे सकता हूं, सप्ताह में एक घंटे का, 15 दिन में 2 घंटे का, जैसा उनको ठीक लगे वैसा मैं समय दे सकता हूं। आपके उस समय का ठीक उपयोग हम लोग करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि हम जिस कार्य को अपने हाथ में लिया है या जिस कार्य को अपन ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको ठीक करने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे, यदि आप सबका संपूर्ण सहयोग मिला तो। जय हिंद, जय श्री राम। तो अभी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका राकेश भैया। अभी 2-2.5 मिनट बचे हैं और ये अपने आप डीलिंक हो जाएगा। सेम लिंक जिससे हमने लॉग इन किया था, उसी लिंक को दोबारा यूज करके हम पुनः लॉग इन कर सकते हैं। जी जी, हमारे बीच में सर राजीव यादव जी हैं और हीरालाल श्रीवास जी हैं। मैं चाहूंगा कि श्रीवास जी आप का हमें मार्गदर्शन मिले, आप सैन समाज के अध्यक्ष हैं। श्रीवास जी आप अनम्यूट हों पहले। श्रीवास जी आप अनम्यूट हों, लगता आप। हाँ जी जी, हाँ सर आ गए हूँ मैं, नमस्कार। हाँ जी, आप अपनी बात रखें, जैसे आपको सब। जी जी, नहीं नहीं, मैं चूंकि मैंने बताया था मैं थोड़ा सा विलंब हो गया हूँ मीटिंग में अटेंड होने के लिए, उसके क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में मुझे एक भूमिका बता दें जिसपे मैं बोल पाऊँ। देखिए क्या है, राकेश भाई एक बार भूमिका बता के दोबारा से सब लोग लिंक को जाएंगे, 2 मिनट में आप भूमिका बता पाएंगे। जय उपाध्याय जी की जय। इसकी भूमिका है तिवारी बोले, बहुत सिंपल सी है। आज अलग अलग समस्याएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो हमारी बच्चियों के ऊपर उनको बरगलाने पुसलाने बहलाने की बात हो, या कहीं ना कहीं अंतर्मुखी अगर हम हो तो हमारे अपने संस्कारों में भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मुख्य तौर पे ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य ये है कि क्या दोबारा से हमारी सामाजिक व्यवस्था, जो एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था है, जिसमें हमारी मंदिर की परंपरा है, हमारे उत्सव की परंपरा है, हमारे चिंतन व्याख्यान, इन सारी परंपराओं को क्या पुनर्जीवित किया जा सकता है, ताकि एक कर्म करने मात्र से बहुत सारे सारी समस्याएं एक साथ सॉल्व हो जाएं। इस दिशा में ये पूरी की पूरी चर्चा है और ये टाइम बिल्कुल ही खत्म होने वाला है, ये एकदम ही डिस्कनेक्ट होंगे और वापस से हम कनेक्ट कर जाएंगे। इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी इस विषय की कि कौन मियां है जो अभी पकड़े गए, और फिर उसके बाद अभी हुक्का बार लाउंज में जो घटना घटी, जिसमें कि लड़के जो पकड़े गए उसमें तो 95-96% जो हैं वो मुस्लिम लड़के थे और लड़कियां 100% हमारे समाज की लड़कियां हैं। तो ऐसी क्या बात है कि हमारी ही लड़कियां उनके लड़कों के साथ जो है पाई जा रही हैं, हालांकि संख्या बहुत कम है।